गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो मैंने आपको क्या कराया था, कल्पट का ट्रायल बैलेंस कराया था पार्ट टू, बराबर। आज मैं आपको करा रहा हूँ पार्ट थ्री, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन टू दिया हुआ है। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन दिया था, बराबर, उसमें मैंने एक सस्पेंस रखा हुआ था ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग बराबर ध्यान दे रहे हो कि नहीं। मैंने एक अमाउंट जो है, बराबर, एक विवरण जो है वो नहीं लिखा हुआ था, बराबर। किस में नहीं लिखा हुआ था? आपके सॉल्यूशन में नहीं लिखा हुआ था। तो इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने लोग ध्यान दे रहे हैं। तो वो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे पर्सनल कि वो क्या छूटा हुआ था, वो सस्पेंस क्या था, बराबर, ठीक है, मैं आपसे उत्तर लूँगा। तो आज कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर टू। निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च 2020 को तलपट बनाइए। फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंसेज प्रिपेयर आर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। देखिए, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, पूंजी यानी कैपिटल। कैपिटल क्या है आपके लिए? लाइबिलिटीज है, बराबर। कैपिटल लाइबिलिटीज है, मैंने क्या बताया था, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है और वो आपके कौन से साइड आएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पूंजी कैपिटल, ये आपका आ गया क्रेडिट साइड। एक है आपका डेबिट साइड और एक है आपका क्रेडिट साइड। कितना लिखा हुआ है, 3,38,850, 3,38,850, ठीक है, ये आपका पूंजी हो गया, कैपिटल हो गया। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, बैंक ऋण यानी बैंक लोन, ये भी आपका लाइबिलिटीज है। और मैंने क्या बताया था, जितनी भी लाइबिलिटीज है आपको कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बैंक ऋण यानी बैंक लोन, बैंक लोन कितना अमाउंट है, 50,000। तो आपने क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिख दिया आपने 50,000, ठीक है। उसके बाद तीसरा मैंने आपको क्या दिया, भवन, भवन मतलब बिल्डिंग, और बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, बराबर। तो कौन सी साइड आएगा आपका, डेबिट साइड आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया भवन, बिल्डिंग कितना अमाउंट है, 1,75,000। तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड में आ जाएगा 1,75,000। उसके बाद है फर्नीचर, ये भी आपका एसेट्स है, बराबर, कितना है, 15,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फर्नीचर, फर्नीचर 15,000, ये भी आपको डेबिट साइड है, बराबर, ये फिक्स एसेट है। उसके बाद मशीनरी लिखा हुआ है, ये भी आपका डेबिट साइड आएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जितना भी एसेट्स है वो आपका डेबिट साइड में, और जितना भी खर्चा है वो आपके डेबिट साइड में, जितना इनकम है और लाइबिलिटी है वो आपके क्रेडिट साइड में। फर्नीचर 15,000 हो गया। उसके बाद मशीनरी है 20,000। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मशीनरी 20,000। फिर उसके बाद है आपका वेतन, वेतन क्या है, खर्चा है, कंपनी सैलरी दे रही है यानी वेतन दे रही है, खर्चा है, और खर्चा किस में आएगा आपका, डेबिट साइड में। हमने इधर लिख दिया वेतन, फिर लिख दिया आपको सैलरी, तो कौन सी साइड आएगा आपका, डेबिट साइड। कितना है, 50,000 का सैलरी, 50,000 का आपका सैलरी। किराया, ये भी खर्चा है, तो किराया किस में आएगा आपका, डेबिट साइड में। किराया यानी रेंट खर्चा है, जितना भी खर्चा है आपके डेबिट साइड में, कितना है, 36,000। ब्रोकर कैश, कैश क्या था आपके लिए, वो भी एसेट्स है, और एसेट्स किस में आता है आपका, डेबिट साइड।
निकाल है, कार्यालय व्यय यानी ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी आपके लिए खर्चा है, ये भी आपको डेबिट साइड में आएगा। आपका हो गया ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना है ऑफिस एक्सपेंसेस, 2,25,000, तो आपका इधर आ गया 2,25,000। उसके बाद निर्गत केंद्रीय जीएसटी, इसका मतलब क्या होता है निर्गत केंद्रीय जीएसटी, या आपका आउटपुट सीजीएसटी है, यानी सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपके कौन से साइड आएगा, आउटपुट है, आउटपुट मतलब बाहर के साइड आएगा यानी क्रेडिट साइड, लिखी हुई वहीं पर निर्गत केंद्रीय पैसा जो आप लगाते हैं यानी खर्चा करते हैं
तो आपके डेबिट साइड आएगा कितना है 7,53,000, तो हमने लिख दिया 7,53,000। उसके बाद है क्रय वापसी, क्या है क्रय वापसी, उसको हम क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। हमने 7,53,000 का माल खरीदा जिसमें से 3,500 का माल जो है खराब निकला, तो हम क्या करेंगे उसको वापस करेंगे, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न, यानी वापस करें, बाहर जा रहा है गुड्स, माल बाहर जा रहा है, तो कौन सी साइड आएगा क्रेडिट साइड आएगा। अमाउंट कितना है 3,500, तो आपके क्रेडिट साइड आ जाएगा 3,500। उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्रारंभिक स्कंध, यानी ओपनिंग स्टॉक। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था, बराबर, तो ये किसमें आएगा आपका डेबिट साइड में आ जाएगा प्रारंभिक स्कंध, ये आपका हो गया ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक किसमें आएगा आपका डेबिट साइड, खर्चा है, हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है उसको हम पहले खरीदे थे, बराबर, इसको हम क्या बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, क्या बोलते हैं आप ओपनिंग स्टॉक। उसी तरह अंतिम स्कंध यानी क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया आपका अंतिम स्कंध, ये आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आपके कौन सी साइड आएगा आपके डेबिट साइड, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो। क्लोजिंग स्टॉक है 18,400, इन्वेस्टमेंट है यानी विनियोग, या आपका एसेट्स है, तो आपका डेबिट साइड आएगा विनियोग, विनियोग इन्वेस्टमेंट, या आपका कौन सी साइड है एसेट साइड है, और ऐसे हमारा किसमें आता है डेबिट साइड 2,50,000, 2,00,000 आपका, 2,50,000 आपका आ गया। उसके बाद क्या है अदर व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि पिछले महीने का जो खर्चा है हमने पे नहीं किया हुआ है, हमने अभी तक पे नहीं किया हुआ, और इस मंथ का जो खर्चा है दोनों ऐड होता है तो उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग यानी अदर व्यय, यानी हमको भरना है हमने अभी तक भरा नहीं है, और ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, हमारे लिए क्या है लायबिलिटीज है, तो हमने क्या लिखा इधर अदर व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमारे लिए लायबिलिटीज है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आउटस्टैंडिंग आपके लिए लायबिलिटीज होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका लायबिलिटीज है। कितना लिखा हुआ है 4,500, तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया 4,500। उसके बाद क्या है लाभ कमीशन, यानी मिल रहा है कमीशन, तो कौन सी साइड आएगा क्रेडिट साइड, ये आपके लिए इनकम है, तो हमने इधर लिख दिया लाभ कमीशन, लाभ कमीशन यानी कमीशन रिसीव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कमीशन रिसीव। कितना मिला हमको यहाँ पे लिखा हुआ है 12,000 इनकम है, तो आपका आ गया क्रेडिट साइड में आ गया 12,000, आपका 12,000 आ गया क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद आपका है आगत केंद्रीय जीएसटी यानी इनपुट, मैंने क्या बताया था आपका आउटपुट जो है वो आपका क्रेडिट साइड आएगा, और आपका इनपुट कौन सी साइड आएगा डेबिट साइड, आगत क्या लिखा हुआ है केंद्रीय जीएसटी, आगत केंद्रीय जीएसटी, जीएसटी उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सी
ठीक है, ये आपका कौन सी साइड आएगा 30,000, डेबिट साइड आएगा बिकॉज इनपुट है ये, बराबर। उसी तरह आगत राशि है जीएसटी, तो हमने इधर लिख दिया आगत राशि है जीएसटी, यानी आपका हो गया इनपुट एस जी एस टी, वही सेम जो मैंने आपको बताया था, इनपुट एस जी एस टी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये क्या सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों का भी अमाउंट देखिए सेम है। उसी तरह कभी भी क्वेश्चन आपके इसमें रहेगा, जो भी क्वेश्चन प्रश्न दिया रहेगा उसमें आपका अमाउंट जो रहेगा वो सेम रहेगा। इसमें देखिए आउटपुट में आपको सेम अमाउंट था, उसी तरह इनपुट में आपको 30,000 सेम अमाउंट है, बराबर। अब आपको क्या करना है, यानी आपका सम्स हो गया, एक चीज बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है आपको टोटल करना बचा हुआ है। अब क्या करोगे, इसको टोटल डेबिट साइड और टोटल क्रेडिट साइड, ये टोटल करोगे तो दोनों का उत्तर सेम रहेगा। अगर दोनों का उत्तर सेम है इसका मतलब आपने कहीं गलती नहीं की है, और कुछ चीज़ अगर आपको छूट गया बराबर, यानी उसमें मिस्टेक हो गया, यानी आपने कहीं तो मिस्टेक किया होगा, अगर टैली हो गया तो आपने मिस्टेक नहीं किया होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभी ये बुक में लिख लीजिए, आप क्या करोगे बुक में लिख लीजिए, ठीक है, इसको कंप्लीट करके फिर मुझे दिखाना चाहिए, तो एक बार आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल लाइबिलिटीज है, तो आपको क्रेडिट साइड आ गया, बैंक ऋण आपका बैंक लोन है, ये भी लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड आ गया। पावर बिल्डिंग जो है एसेट्स है, ये आपका डेबिट साइड आ गया, ये जितने भी आपके एसेट्स है वो आपको डेबिट साइड है। वेतन सैलरी है, यानी पगार आप दे रहे हो, खर्चा आपके लिए 50,000 डेबिट साइड लिखा हमने। किराया, ये भी खर्चा है 36,000 का। रोकड़ा यानी एसेट्स है, ये आपको डेबिट साइड आ गया। कार्यालय का खर्चा है, डेबिट साइड आ गया। कहने का मतलब फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, खर्चा और एसेट्स बराबर, ये सब आपको डेबिट साइड आएगा, और लाइबिलिटी और इनकम जो भी आपको मिल रहा है वो सब आपको क्रेडिट साइड, और लाइबिलिटी आपको क्रेडिट साइड, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। और टोटल जरूर करना ताकि मुझे भी पता चले कि आप सब सही हो, ठीक है। आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करके मुझे दिखाओ,